जो वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ये चीज़ जो है ये परेशानी का दौर मेरा काफ़ी वक्त से चल रहा है, चल तो काफ़ी 4 साल से रहा है। बट इसके अंदर क्या हुआ कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी इस चीज़ के आगे लाना नहीं चाहता था। कई कई मैटर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था फैमिली के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बशीर सर की फाउंडेशन है आशा की किरण फाउंडेशन। मैं मम्मी को गाड़ी में बैठ के पूछ रहा हूँ, आप मेरे को क्यों, अगर आपको मेरे को डालना ही है, डाला हुआ है ना अभी, आप मेरे को कहाँ क्यों शिफ्ट करा रहे हो? कहती बेटा ये महंगा बहुत है, यहाँ पे 1 लाख रुपए जाते हैं महीने के। मेरे हर स्टेटमेंट पर मेरा दिल टूट रहा है कि यार मैंने इतना कमा के किया, आज इतने इतने रुपये के लिए मेरे साथ ये कर रहे हैं। मैं कहा माँ मैं कर दूंगा, आके दूंगा पैसे, मुझको कमा के दूंगा पैसे, दोबारा चाहिए ना मुझको यहाँ से जाने पर। फिर मुझे गाड़ी में भरा, मुझे मैं सर के पास आया, मेरी मुलाकात हुई सर अंदर बैठे हुए थे। सर बोलते कि क्या हुआ, नशा किया? मैं कहा नहीं सर नशा नहीं किया। अच्छा क्या हुआ? मैं कहा सर कुछ चीज़ें हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं किसी को नहीं बोल पाया अब तक, मैं आगे भी नहीं बोल पाऊँ। ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक तो टेंशन मत लो, बोले टेंशन मत लो, फैमिली इशू है। कहते ऐसा मत समझो, ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन इसी के लिए, तुम अशांत रहो। मैं 10 दिन वहाँ बहुत अजीब डिप्रेशन में वहाँ भी, पर वहाँ कुछ कुछ 1 महीना रहा, अलग पॉजिटिविटी, अलग प्रोग्राम, प्रोग्राम से भी ज़्यादा एक बड़े भाई का साथ, और वो अकेलापन एक शील्ड है आज मेरे पास। मैं बताता हूँ, आशा किरण फाउंडेशन के फाउंडर और हेड हैं बशीर कुरैशी सर, मेराज भाई, जिन्होंने उस टाइम मेरे को बहुत काउंसलिंग की। ये चालू तो तब से हुए हैं 2012 से, जब से मैं आया हूँ मुंबई कॉमेडी सर्कस के टाइम पे, लेकिन ये ऐसे थे कि मैं परेशान काफ़ी था पर मेरा इस लेवल पे नहीं। अच्छा मैं एक चीज़ बतानी बिल्कुल भूल गया, मैं जिस टाइम रिहाब से निकला, इस लड़के ने मुझको रात को घर से निकाला, मैं घर से निकला, मैं इतना वापस डिप्रेशन में गया, मैं इतना घबरा गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्लीन हूँ, मैं कितनी टाइम से, अब मैं शोज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे शोज़ दोबारा आने वाले हैं, तो मैं इस बात से डर रहा था कि मेरे किसी भी चीज़ में अड़चन नहीं आनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाके एनसी करवाया, मैंने एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दी कि मेरा अगर मैं कभी भी गायब होता हूँ तो इसके यही 3 जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा, मदर मेरी मदर सुयश और ये मेरे फादर शिरीष कुमार, अभी कुछ भी नहीं है और मुझे उसकी कोई टेंशन भी नहीं है। मेरे पास इतना इस टाइम आप लोगों ने इतना प्यार से इतना सपोर्ट किया, मेरी एक वीडियो ने और आप लोगों का इतना, मुझे कुछ और वैसे भी नहीं चाहिए, मेरे को इतना प्यार इतना मिला हुआ है, मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं था, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था, मुझे शांति चाहिए थी जो मेरी डिस्टर्ब कर दी गई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।